मैं बकी के सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर सिनेमैटिक इसलिए नहीं बनाना चाह रहा कि ताकि ना पीछे वाले जो सीन्स हैं ना वो ब्लर ना हो। इतना यहाँ पर सफेद पत्थर है, बिल्कुल ठंडा और कैसे यहाँ पर धूप में भी नंगे मुंह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, अभी हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल की ज़्यारत करने, उसके बाद इंशाल्लाह जाते हैं अलबैग खाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि रोज़े दरसलाम के लिए एंट्री कहाँ से होती है। ज़्यादा होता है तो इस वजह से इन्होंने एंट्री जो है ना मेन एंट्री यहाँ से बनाई थी। तो ये बाबे सलाम वाली साइड जो है वरना यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री हो सकती है, लेकिन अब उधर से घूम के आना पड़ता है। वो लोग आ रहे हैं सामने से, आ रहे हैं। ये रियाज़ जिन्ना है, सॉरी ये नहीं है, आगे जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर जो है उससे लेकर घर तक का हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। जी चाहिए, बस कभी रास्ता ये वाला बंद कर देते हैं, अभी वहाँ पर सफाई वगैरह हो रही है। अभी इस टाइम इतना रश नहीं होता, ये रश ज़्यादा होता है रात में भी, यानी जब जैसे जैसे छम होती रहेगी ना रश ज़्यादा होता रहेगा, सारा भी रेडिया फूल होते हैं पीछे से। अभी वैसे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, इस वजह से रश ना इतना यहाँ पर सफेद पत्थर है, बिल्कुल ठंडा और कैसे यहाँ पर धूप में भी नंगे मुंह कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये वाला जो निकल तो रहे हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पर छाँव है, लेकिन जैसे थोड़ी सी धूप होगी नहीं बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ पर सिनेमैटिक इसलिए नहीं बनाना चाह रहा कि ताकि ना पीछे वाले जो सीन्स हैं ना वो ब्लर ना हो, वीडियो जो है वो बिल्कुल पीछे वाली मुझसे भी ज़्यादा क्लियर है यार। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए, अल्लाह पाक सबको ये रौनक दिखाए। तो अभी हम जा रहे हैं जी अलबैग खाने, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि आज अलबैग खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अलबैग वहाँ पर कैसे खाया जाता है। जो है ना वो यहाँ का बड़ा मज़े का है, यानी कि अभी परसों रात को जो है बारिश हुई थी, तो कल जो मौसम रहा वो कुछ ठंडा रहा, कि आज दोबारा धूप निकली है तो गर्म हो गया। ये सामने बकी है, ये बकी वाली साइड है, तो इसी साइड पे जो है ना अलबैग है। और ये सामने गोल्ड की शॉप से, यार बंदा यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगे देख के वैसे तो नया बंदा को परेशान रहते हैं, इन्होंने बनाई कैसे होंगी। अलबैग के इर्द गिर्द दो निशानियाँ होती हैं, एक तो ये शॉपर आपको नज़र आएंगे अलबैग वाले लोग लेकर निकल रहे होते हैं, और दूसरा इसकी जो खुशबू होती है। ये लोग यहाँ ओपन में बैठकर खा रहे हैं, लेकिन हम मेरा ख्याल है ऊपर बैठकर खाएंगे। ये बंदोली अक्सर खलक नमाती किसी किसी को सलाम आए
जी हम पहुंच गए जी अलबैग के बाहर, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं क्या सी। मेरा कहना ले करना इधर ही बैठ कर खाना पड़ेगा। लोग ले लेके आ रहे हैं ये। यहाँ पर डील्स वगैरह देखने के लिए डिस्प्ले लगा हुआ है, जो डील आपको पसंद है आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले इनके पास डाइनिंग का रेंज होता था ऊपर, लेकिन कोविड के बाद सिर्फ टेक अवे है। अभी चल रहा है 454। यहाँ ऑर्डर करने के बाद आपको टोकन नंबर इशू होगा, फिर उस टोकन पर आपको वहाँ से रिसीव करना है, ठीक है। $519 और ये चल रहा है $489। चलें बैठते हैं, वेट करते हैं। बैग ले लिए है, अभी बैठ कर इसे खाते हैं। और टेस्ट तो फिर इसका वैसे ही आपको पता है कि फेमस किस वजह से है, तो टेस्ट की वजह से ही है यार। इसकी खुशबू जो है ना वो दूर से ही माशाल्लाह आने लग जाती है, तो इस वजह से लोग जो है ना वो ज़्यादा फिर इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसकी एक यूनिक सी खुशबू। यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर आ गया जी हमारा ब्रोस्ट, और इसके साथ जो है ये वेट टिश्यू है, साथ मायोनीज आ गई, मायोडी पे ठीक है अच्छा। और साथ जो मैंने बाद में ऑर्डर किया था वो आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये पहले खोल लेते हैं ब्रोस इसका। आए है माशाल्लाह इसकी खुशबू। लेट्स कीप अवर सिटी क्लीन, डस्टबिन में साथ ही से डालना। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी है। चलें वीडियो पहले बना लेते हैं फिर खाते हैं इसे। ये अपना तो था, ये फेवरेट यानी कि ब्रोस्ट के साथ, यानी जो भी कुछ लेते थे ना यहाँ से मैं तो ये लाख में लेता। इनका उमस यार कमाल है, बहुत मज़े का। उमस आ गया। और ये जो है ये कॉकटेल है, यानी कि ये बड़ा मज़े का होता है इनका, इसके साथ सॉस। तो ये भी हम ट्राई करते हैं, अभी बाकी ओपन करते हैं। वीडियो के चक्कर में मेरे सब्र का इम्तिहान चल रहा है। साथ इसे अभी स्टार्ट कर। भैया मोमोज कमाल है, बहुत मज़े का मोमोज। बाकी चीज़ें अभी बाद में करते हैं, मोमोज कमाल है माशा। मदीने के खाने, मदीने की सौगात अलबैग। अच्छा मैंने करवाया स्पाइसी मिर्च वाला, ऐसे पहले हम बगैर मिर्च की ज़्यादा खाते थे, अभी पता नहीं मुझे भूल गया टेस्ट इसका।
भी गरम गरम जब मजा इसका गरम गरम का है। पहले पाकिस्तान मंगवाते थे वहाँ पहुँचते ना इसका टेस्ट चेंज हो जाता था, लेकिन मदीना की हवाओं में बैठकर खाने का जो मज़ा है ना असल मज़ा तो वही है। ये वाला जो सॉस है इसे बोलते हैं कॉकटेल, पहले मैं भूल गया था ये लेना, फिर मुझे याद है यार ये तो ज़रूरी है तो हम लाजमी खाते थे। मैं भूल गया था बिस्मिल्लाह, तो अभी बिस्मिल्लाह वो वाला वो आखिर आती खाएँगे जी कॉकटेल के साथ। ठीक है, ये सामने बकी के सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ, और वो देखें भाई सामने कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और ये इधर साइड के लोग ला रहे हैं यहाँ बैठ के खाने के। चलें जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मदीना पाक के मज़े मज़े के खाने आपको दिखाते रहेंगे, और इसके अलावा यहाँ की डेली रूटीन भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक सबको यहाँ बुलाए। आमीन।